हेलो फ्रेंड, आप सबको फिर से स्वागत है आपका चैनल आलिया ट्यूब में। और आज मैं जिस नॉवेल को, इंडियन नॉवेल को नैरेट करने जा रहा हूँ, वो है मुल्क राज आनंद का लिखा कुली। इस नॉवेल को पब्लिश किया गया था 1936 में। अब कुली का मतलब होता है कि अनस्किल्ड या फिर अनट्रेंड लेबर। तो ये पूरी जो कहानी है, ये मुन्नू नाम का एक अनाथ बच्चा है 14 साल की उम्र की, उसकी ज़िंदगी किस तरह से, किस उतार चढ़ाव से आगे बढ़ता जाता है। वो एक लेबर क्लास का लड़का है, नीची जाति का है, जो जैसे दिखाया जाता है कि दलित या फिर नीची जाति के गरीबों को किस तरह से समाज जो है अत्याचार किया जाता है, अमीर लोगों ऊपर किस तरह से धोखा देता है, उसे मारते हैं, पीटते हैं, अत्याचार करते हैं, उस लोग सब अनइंसाफी होता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। और पूरी जो कहानी है वो मोनो की जो 14 साल से लेके 16 साल तक, मतलब 2-2.5 साल की एक ज़िंदगी को दोहराया गया है। और इस बीच मोनो के साथ किस तरह की अत्याचार हुई और फाइनली वो मर जाता है, सहन नहीं कर पाता है, गरीबी की वजह से बेहाल होके वो दम तोड़ देता है। ये पूरी कहानी यहाँ पर दिखाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। मोनू जो है वो एक अनाथ है, उसका जो फादर था वो मर गए हैं ज़मींदारों के अत्याचार की वजह से। और जबकि उसके फादर की डेथ होने के बाद मोनू का जो माँ थी वो भी मर जाती है, सहन नहीं कर पाती है इसी वजह से। तो ये 14 साल की लड़का जो है ये अनाथ हो जाता है। और फिलहाल वो कांगरा हिल्स, जो बिलासपुर नाम की एक जगह पे, वो अपने चाचा चाची के साथ रहता है। उसका चाचा का नाम है दयाराम और चाची का नाम है गुजरी। अब ये दोनों जो है, दोनों ही जबकि मोनू को पाल रहे हैं, तो ये लोग भी ज़्यादा अमीर नहीं थे, गरीब थे। तो इन लोगों के लिए ये कम, मतलब असंभव हो चुका था कि मोनू का देख रेख करना या फिर उसे खाना पीना खिलाना फिलाना, ठीक है। तो इस वजह से वो लोग तंग रहते थे मोनू से, और हमेशा वो लोग भी अत्याचार करते थे। और ख़ास करके जो मोनू की जो चाची थी वो ज़्यादा ही कुछ अत्याचार मोनू के ऊपर करते थे, और मजबूर कर देता है मोनू को कि बैठ बैठ के खाने से कुछ नहीं होगा भाई, तुम जाओ कुछ काम करो, कमाई करो, ताकि हम लोगों को भी गुजारा हो सके। तो इस वजह से क्या होता है, मोनू जो है अपने चाचा के साथ वहाँ से चला जाता है दूसरे शहर में काम की खोज में। और वहाँ जाके वो मुंबई से कुछ दूर एक शहर में जाके वो काम मिल जाता है उसको, वो है बाबू नत्थूराम के घर में, ठीक है। बाबू नत्थूराम जो था वो इम्पीरियल बैंक एक था, उस बैंक में क्लर्क की नौकरी करते थे। अब बाबू नत्थूराम जो थे वो बहुत अच्छे आदमी थे, तो मोनू के चाचा वहाँ पर उसे एज ए नौकर रख के चले जाते हैं। और जो तनख्वाह उसे मिलेगी वो तनख्वाह मोनू के चाचा चाची को मिलने वाला था, और मोनू जो है वहाँ पर काम करेगा एज ए नौकर। अब बाबू नत्थूराम तो अच्छे आदमी थे, लेकिन उनकी जो वाइफ थी, ठीक है, उनका नाम था उत्तम कौर, वो बहुत ही जालिम किस्म की औरत थी। मतलब यहाँ मोनू की चाची से भी वो बढ़के थी, अत्याचार का कोई लिमिट नहीं था, जब चाहे जितनी चाहे उसे बिना खाना दिए या फिर उसे मारे पीटे कुछ भी करे, लेकिन उनका टारगेट रहता था कि किस तरह से मोनू को ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया जाए। अब मोनू बेचारा परेशान था, क्योंकि है तो वो गरीब, और ऊपर से उसका है नहीं दुनिया में कोई, ना माँ बाप, ना कोई एक चाचा चाची जो भी उसका सहारा था, वो भी उसे पसंद नहीं करते थे। मोनू करे तो करे क्या, तो वो क्या करता था वहाँ पर, जैसे तैसे करके काम करता रहता था, बेचारा रोता रहता था मन ही मन, अपने मम्मी पापा के लिए उसका दिल जो था पुकारता रहता था, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता है। तो अत्याचार का सीमा बढ़ता गया वहाँ पर। लेकिन वहाँ बाबू नत्थूराम का एक भाई था, छोटा भाई, जिसका नाम था प्रेमचंद। और ये प्रेमचंद जो थे वो बहुत एक डॉक्टर थे, बहुत ही अच्छे थे, और वो मोनू से भी, मतलब मोनू से प्यार करते थे बहुत, और मोनू जो है वो प्रेमचंद को बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। अब बाबू नत्थूराम का एक बेटी थी 10 साल की, जिसका नाम था शीला। अब शीला से मोनू का बनता था अच्छा, शीला भी मोनू को कभी डिस्टर्ब नहीं करती थी। अब क्या होता है, एक दिन शीला को चोट लग जाती है, और जिसके लिए मोनू को बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है, इंसल्ट होता है वो, और बेचारा रोते रोते वहाँ से
चला जाता है छोड़ के, क्योंकि उसे लग रहा था अब मेरा यहाँ जीना मुश्किल है, मैं यहाँ जी नहीं सकता हूँ। वो रात भर रोता था, और जबकि उसे उतना डांट पड़ी, मार पड़ी, तो वहाँ से वो निकल जाता है। निकलते निकलते बेचारा वहाँ से चला जाता है एक मतलब ट्रेन में, वो ट्रेन में उठ जाता है, और ट्रेन में जाके उसे मुलाकात होता है सेठ प्रभु दयाल एंड उसका एक पार्टनर था मिस्टर गणपत के साथ। अब प्रभु दयाल जो था वो एक कंपनी आचार और जैम फैक्ट्री का फैक्ट्री चलाते थे दौलतपुर में, ठीक है, और अच्छा खासा पैसा वाला था। तो प्रभु दयाल ने क्या किया, उसे रख दिया अपने पास, ठीक है, और उसे प्यार भी करता था। अब क्या होता है, जो गणपत था उसका जो मैनेजर या फिर पार्टनर कह सकते हो, वो लेकिन हमेशा चिढ़ा हुआ रहता था मोनू से, और वो जितना चाहे ज़्यादा मोनू को प्रेशर देता था, अत्याचार करता था, उसे गाली गलौज करता रहता था। मोनू यहाँ भी परेशान था बेचारा, करे तो करे क्या करे, लेकिन फिर भी सेठ प्रभु दयाल जो था वो मोनू से प्यार करते थे, उसका देख रेख करता था, ख्याल रखता था। अब इस बीच क्या हुआ, गणपत जो था, जो मैंने मतलब पार्टनर था प्रभु दयाल का, वो धोखा दे दिया प्रभु दयाल को। वो पहले से एक बहुत ही मतलब लालची किस्म का इंसान था, तो उसने धोखा दे दिया, और प्रभु दयाल जो था वो एकदम पूरा बर्बाद हो गया। उसका जो कंपनी था वो उठ गया, वो ख़त्म हो गया, उसका पूरा पैसा जो है गणपत ने हड़प लिया, और एकदम गरीब हो जाता है प्रभु दयाल, और उसके पास कोई चारा नहीं रहता है। प्रभु दयाल जो है उसकी वाइफ को लेके वो चला जाता है गांव, फिर से बेचारा मोनू जो था वो बेकार हो जाता है, अनाथ हो जाता है। अब वो करे तो करे क्या करे। कुछ दिनों तक उसने दौलतपुर में, वहाँ जहाँ पर वो प्रभु दयाल के साथ रहता था, सब्जी बाजार में काम करता है। अब प्रभु दयाल जी तो मोनू को लेके जा नहीं सकता है, क्योंकि उनका खुद का खाने का कोई ठिकाना नहीं, वो एकदम गरीब बन चुके हैं, गणपत ने तो धोखा दे दिया। अब मोनू वहीं पर रह जाता है बेचारा, ऐसे वैसे करके सब्जी बाज़ार में काम करता रहता है, लेकिन वहाँ सब्जी बाज़ार में भी उसके ऊपर शोषण होता है, क्योंकि सब्जी बाज़ार का जो काम उससे करवाया जाता था, बेचारा बच्चा था, अनाथ था, उसका आगे पीछे कोई नहीं था, इसे सब कोई किसी को पता था, तो जितना काम उससे किया जाता था मतलब करवाया जाता था, उसका पैसा उसे मिलता नहीं था, उसको गाली गलौज करता था, जब चाहे जो चाहे उसे मारता था, पीटता था। और उसी वक्त एक एलिफेंट ड्राइवर से वहाँ पर बाज़ार में उसका मुलाकात होता है, जो अच्छा बंदा था, तो किसी तरह मोनू को वहाँ से वो निकाल लेता है और मुंबई का टिकट कटवा के उसे बॉम्बे भिजवा देता है। अब बॉम्बे आके मोनू के साथ हरी और लक्ष्मी नाम का बंदे से मुलाकात होता है, ये लोग हस्बैंड वाइफ है। हरी जो था बहुत अच्छा आदमी था, वो एक कॉटन फैक्ट्री में काम करता था, जिस कॉटन फैक्ट्री का मालिक का नाम था जॉर्ज वाइट, और उस कॉटन फैक्ट्री में एक चिमटा साहेब नाम का एक बंदा था जो मैनेजर है, मतलब पूरा कॉटन मिल को चलाता था। बहुत ही गंदा किस्म का इंसान था, जिसका नाम था जिमी टॉमस, जिसे सब कोई चिमटा साहेब नाम से जाना जाता था। वो इतना मतलब अत्याचार करता था मतलब लेबर के ऊपर। जैसे भी करके हरी ने लक्ष्मी ने बोल के 25 रुपया तनखे में वहाँ पर मोनू को डलवा दिया काम में। मोनू बेचारा काम करता था, लेकिन दिन ब दिन हालत जो है वो ख़राब होता गया कॉटन मिल का, क्योंकि ये जो चिमटा साहेब थे वो बहुत ही अत्याचारी था, बहुत ही बदमाश किस्म का इंसान था। वो लेबर के ऊपर बहुत ही अत्याचार करता था, जानबूझ के ज़्यादा ज़्यादा काम करवाते थे, और जो वो मकान किराए के मकान जो झोपड़ी दिया जाता था, बहुत ही गंदा झोपड़ी जिसका भाड़ा बहुत ही कम होना चाहिए, लेकिन उसका दुगना तिगना भाड़ा करके वो सबको देते थे। और लेबर जो थे वो अत्याचार मतलब भाड़ा देने में मजबूर होते थे, क्योंकि उन लोगों के पास करने का कोई चारा नहीं था। और यही नहीं, उन्हें वो पैसे देते थे किसी को उधार, तो उसका 4 गुना 5 गुना 10 गुना ज़्यादा उन लोगों से सूद लेता था, सूदखोर भी था। तो इस तरह से क्या होता है, चिमटा साहब का जो अत्याचार था वो बढ़ता जाता है, और सब लेबर मिल के स्ट्राइक कर देते हैं, क्योंकि मिल का हालत दिन ब दिन ख़राब होता जाता है, श्रमिक और लेबर जो थे वो परेशान हो जाते हैं।
वहाँ पर रतन नाम का एक और एक बंदे से मोनू का जो है फ्रेंडशिप बन जाता है। अब मोनू और हरी लक्ष्मी के साथ एक साथ रहने लगे थे, लेकिन हालत दिन ब दिन बदलता गया और कई मुसीबत आई और शायद बाढ़ की वजह से उन लोगों का जो घर था वो बह गया और रतन इन सबको पनाह देता है अपने घर में। जब चिमटा साहब को ये पता चलता है कि रतन ने सहारा दिया है तो रतन को बुला के चिमटा साहब बहुत ही उल्टा सीधा बोलता है। रतन को और हरी को मोनू को भी वो मारने लगता है और कहता है कि तुम लोगों को सबको मैं निकलवा दूंगा यहाँ से। अब चिमटा साहब का ये गुस्सा जो है वो इतनी हद तक बढ़ जाता है कि ये लोग परेशान हो जाते हैं। और स्ट्राइक जब होता है तो वहाँ पर स्ट्राइक में जब सब कोई थे वहाँ पर मीटिंग चल रहा था और ये सब करके मैनेजमेंट क्या करता है, फसाद, दंगा फसाद बना देता है हिंदू मुसलमानों को लेके, और जो स्ट्राइक है वो टूट जाता है और हिंदू और मुसलमानों में दंगा लग जाता है। दंगे लग जाने की वजह से मारपीट, खून खराबा बढ़ता है। मोनू किसी भी तरीके से वहाँ से भागता है और उन उसका जो दोस्त था रतन, हरी, लक्ष्मी सबसे उसका रिश्ता है जो है छूट जाता है, क्योंकि सब कोई भाग के वहाँ से निकल जाता है। पुलिस आ जाता है और जो हालत था वो बहुत ही ख़राब हो जाता है। मोनू भागते 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 जब उसको होश आता है, उसे दिखता है कि वो वहाँ से बहुत दूर आ चुका है, लेकिन वो कमज़ोर हो चुका था दौड़ते दौड़ते और वो एक गाड़ी के सामने टकरा जाता है। वो गाड़ी जो चला रही थी वो मिसेस मेनवेरिंग नाम की एक औरत थी जो एंग्लो इंडियन थी, वो शिमला में रहती थी। वहाँ गाड़ी में टकराने के बाद वो मोनू को अपनी गाड़ी में उठाती है, उसे ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन ये जो औरत थी पहले ये औरत बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करती है मोनू को, और मोनू का जो हालत है वो और ख़राब हो जाता है। बाद में ये औरत थोड़ी मतलब नरमी दिखाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। मोनू को टीबी हो जाता है, उसका तबीयत और ख़राब होता रहता है और उसका वहाँ पर एक दोस्त भी बन जाता है जिसका नाम था मोहन, क्योंकि मोनू जो था वो मिसेस मेन वायरिंग उस औरत की वहाँ काम करती थी एज ए लेबर, नौकर की हैसियत से, क्योंकि मिसेस मेन वायरिंग को भी पता था कि मुझे एक नौकर की ज़रूरत है तो वो नौकर की हैसियत से वहाँ पर रख देती है। इसी तरह मोनू का जो ज़िंदगी है बदतर से बदतर होती जाती है। दर बदर की ठोकरें खाते खाते समाज सोसाइटी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। अत्याचार होते होते उसकी ज़िंदगी की सुख चैन सब कुछ ख़त्म हो जाता है और बेचारा एकदम ख़त्म सी हो जाती है और उसको जो डिज़ीज़ होता है उसका चपेट में वो आ जाता है और टीबी की वजह से उसका हालत और शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होते होते खोखला हो जाता है। और एक दिन उसका दोस्त मोहन के सामने वो अपना दम तोड़ देता है और मोनू ख़त्म हो जाता है। इसी तरह ये जो नॉवेल है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।